ओके सर, कर दिया। देखो हमने एक इंटरफेस बनाया, एक और इंटरफेस, बोथ हैविंग डिफरेंट मेथड्स। मैंने चाइल्ड बोथ आर इन, बोथ आर इन टू द क्लाइंट चाइल्ड क्लास, राइट? क्लाइंट क्लास, यस। सो वी हैव द इंटरफेसेस आर इन क्लाइंट क्लास, राइट? यस यस। मैंने उन्हें इंप्लीमेंट किया। चाइल्ड किसी भी पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, इसको माइंड में सेट कर लो पहली चीज तो, ठीक है? पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, नहीं बनाते, ठीक है? ये लो बना, तो ऑब्वियस बात है, चाइल्ड से ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। हाँ, पेरेंट क्लास का हमेशा, महेंद्र, जब भी हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो इट विल हैव एन एबिलिटी टू कॉल द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास मेथड्स, राइट? बट टेक्निकल टेस्ट देने जाओगे ना तो सब इंटरव्यूअर कंफ्यूज कर देते हैं भैया। मैं पहले ही बता देता हूँ मैं, ठीक है? नहीं होगा सर, नहीं नहीं होगी जरूर, डोंट वरी। अभी क्वेश्चन आया क्या है, ठीक है? दिस इज द चाइल्ड क्लास, आई एम एबल टू कॉल एड एम्प्लॉय और डिस्प्ले, बोथ आर गेटिंग करेक्ट। इफ यू टू क्रॉस चेक, जस्ट सी डॉट डिस्प्ले, आई एबल टू गेट इट। चाइल्ड नहीं, क्लास के दोनों मेथड जहाँ पे जो आपने किए वो कॉल कर। द प्रॉब्लम इज हियर इज आई क्रिएटेड अ मेथड वॉइड, जनरेट एनी मेथड और सपोज दैट प्रिंट, ओके, देयर इज अ मेथड कॉल्ड प्रिंट, एडमिन एम्प्लॉय, एडमिन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स प्रिंट करेगा। आप भी कर दिया मैंने क्या प्रिंट, एचआर के भी डेटा प्रिंट करेगा ना। मैं यहाँ पे हम लोग कैसे लिख रहे हैं, इफ आई एम गोइंग टू राइट पब्लिक वॉइड प्रिंट, अब मुझे बताओ आप लोग, एम्प्लॉय था इधर, इसके अंदर था तो इधर इंप्लीमेंट कर दिया, ये आई एडमिन एम्प्लॉय के प्रिंट को ये करेगा। लेट्स फर्स्ट बिल्ड द प्रोजेक्ट, फर्स्ट लेट्स बिल्ड इट, एक्सपेक्टेड ओ सेमीकोलन। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताओ ये जो डिस्प्ले प्रिंट मेथड है किसको फॉलो कर रहा है? ये ऊपर वाला फर्स्ट, आई हैव नॉट कॉल्ड इट, आई हैव नॉट कॉल्ड इट टिल नाउ, क्लाइंट डॉट, व्हाट वाज दैट प्रिंट, इट्स नॉट कमिंग टू, ठीक है? प्रिंट आई कॉल्ड इट, ये प्रिंट मेथड है किसका? ये जो फर्स्ट ऑर्डर पे जो फर्स्ट आता है ना, जो हमने नहीं नहीं इमीडिएट अपर क्लास को कॉल करता है, किसको हो गया ना, एडमिन एम्प्लॉय हो गया ना, हाँ उसी को कॉल करेगा ना, इमीडिएट क्लास को। हाँ तो हेलो महेंद्र, हाँ सर, हाँ आई एडमिन एम्प्लॉय को करेगा, वो डीबग लगा के चेक करना पड़ेगा सर। चलो लेट्स, डीबग लगाने का तो यहाँ पे पर्पस ही नहीं है, मतलब डीबग से कुछ नहीं पता चलता यहाँ पे, जब इंटरफेस नहीं वो जाता नहीं क्या इंटरफेस में, ये कहाँ पे आया आपके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे आ गया इंटरफेस तो जाएगा नहीं ना। ओके ओके ओके, इंटरफेस को जाएगा नहीं, राइट? डीबग का मतलब भी नहीं, this is the problem of ambiguity or if the two classes what I was talking to you, father class will have one method job, mother class have a method job, right? So jab aap likhoge child obj dot job kisko represent kiya, suppose karo aap hi ki language mein father, ye jo father hai na child ke aage sabse pehle father likha hai humne, right? Inherit father uska नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता है जब तक, नहीं नहीं ऑर्डर ऑर्डर मैटर करेगा, ऐसा ऐसे कंफ्यूज होगा। ओके, अगर इंटरफेस को जाते हैं, अगर इंटरफेस को जाते हैं तो फादर नाम का जो इंटरफेस रहेगा ना तो उसकी मेथड कॉल करेगा, और अगर हम क्लासेस को एज क्लासेस का, हां हां तब हो सकता है इंटर, हां हां। मैं एक चीज बताऊं, ठीक है? हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पे तो जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है? अभी फिलहाल नहीं नहीं, सिर्फ एक चीज बताओ, दोनों प्रिंट मेथड है, यूज ही क्या हुआ मेरा, जब इधर लिखी दिया था प्रिंट, मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन
आपको पता है जब हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं इसको दोनों क्लासेस तो हमें एरर मिलता है राइट राइट. देखो ध्यान से, अब क्या था, राइट क्लिक करके मैंने खुद कॉपी पेस्ट किया था मेथड को, रिमेम्बर? प्रिंट को कॉपी पेस्ट करके लिखा था ऐसे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आई डिड समथिंग लाइक दिस ओनली, लिखा था मैंने. अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, क्योंकि मेरे पास एरर आया कि यू हैव नॉट इंप्लीमेंटेड आई एम्प्लॉय डॉट प्रिंट, आई एच आर एम्प्लॉय डॉट प्रिंट, आई हैव नॉट इंप्लीमेंटेड इट. ओके ओके, वो दोनों को भी ये कर रहा है, पॉइंट करना चाहिए था. सो राइट क्लिक इंप्लीमेंट इंटरफेस प्रिंट, ओके इंप्लीमेंट इंटरफेस. Okay. Now see the differences now. Actually, it should not be like this. I'll tell you frankly. If any of the method is same method is available in two different interfaces, same name method, you implement interface explicitly. Don't use like this first thing. IHR employee implement interface explicitly. Now see the differences. This add employees refers to which interface? This. This print method is referred to admin employee. This okay, give the fully qualified name. Print is related to this employee. Because okay. Adding of employees, it's system admin ka record add karna wo different hona chahiye. Print karna hai. Toh mujhe print kiska karna tha? Employee record ko. Ya print HR ke records ko karna hai Vinay. Whenever, जब भी आप इंटरफेस को यूज करो, ठीक है, मेक एन हैबिट टू यूज इंटरफेस एक्सप्लिसिटली. नहीं नहीं सर, अगर एक्सप्लिसिटली तो वो हो गया, लेकिन अगर हमने इम्प्लिसिटली किया तो वो किसको पॉइंट करेगा? ओके ओके, गुड क्वेश्चन. ठीक है, हमेशा प्रिंट को करता है जो भी फर्स्ट प्रेसिडेंस उसका आएगा, मींस राइट गॉट इट, आई एडमिन एम्प्लॉय, हमेशा इसको आएगा. ठीक है विनय, हमेशा याद रखो पहले इसको आएगा. यस सर, हमेशा पहले वाला करता है ना. अब प्रॉब्लम क्या है इधर, चाइल्ड क्लास के थ्रू मैं तो मेथड कॉल ही नहीं कर सकता. क्यों नहीं कॉल कर सकता? रीजन, एक्सप्लिसिटली यूज किया है, इंटरफेस ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाते हैं, याद रखना हमेशा. हमें क्लाइंट का चाइल्ड था ना, क्लाइंट चाइल्ड, क्लाइंट चाइल्ड सर था उसमें ऑप्शन नीचे. ऐड एम्प्लॉय, अब ये डाउन कास्टिंग हो गया. मैंने कुछ मैसेज नहीं दिया इसलिए ऐसा आ रहा है. ठीक, ये सर बॉटम टू डाउन अप्रोच हुआ ना, सॉरी टॉप टू बॉटम अप्रोच हुआ ना. अभी आता हूं, एक मिनट सर. हां कोई प्रॉब्लम नहीं, किसको कर रहा है किसको नहीं, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं. मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूं, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो और जो कॉपी पेस्ट कर सकते हो प्रोग्राम को सेम हैबिट डालो. आगे चल के आपको यही कोड करने हैं फिर से, ठीक है, बट विद ऑल दोस थिंग्स विद द रिपोजिटरी पैटर्न या जो भी हम लोग करेंगे, ठीक है, उसमें सेम इंप्लीमेंटेशन होगा बट विद द डेटाबेस. तो मैं अभी सिर्फ आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे लिखना है. सो आप लोग ही लिखो फिलहाल के लिए.
let's copy it. Paste it. Hello, I HR employee. You child, then call. I employ. Use me. HR dot. इस तरीके से कॉल किया जाता है हमेशा. हम लोग कभी भी इंटरफेस का इंस्टेंस नहीं बनाते हैं. मैंने सिर्फ इंटरफेस को डिक्लेयर किया, उसको असाइन किया किसका ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास. क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करते देन यू विल बी एबल टू कॉल द मेथड. इस चाइल्ड कंस्ट्रक्टर की वजह से इसको एक मेमोरी मिलेगा जिसके बेस पे आप उसके मेथड्स को इन्वोक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. दिस इज द वे ऑफ डूइंग और इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस. नाउ एक क्वेश्चन है, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन नहीं पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया, फिर से पूछो क्वेश्चन. हाँ, मैंने पूछा ही नहीं अभी तक. ओके मुझे लगा पूछा. सॉरी. अब मेरा क्या है, एक क्वेश्चन है छोटा सा, और मैं बताऊं, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ, 10 साल के एक्सपीरियंस पे या 15 साल पे या फ्रेशर पे, एक क्वेश्चन हर कोई पूछने वाला है, ठीक है? वेयर यू कैन गो फॉर इंटरफेसेस. The first thing, how can we differentiate with abstract classes? Two differences. The most important is abstract class thing. Abstract class का object नहीं बना सकते ना हम, interface का object बना सकते child class through. अभी रुको. पहले तो आंसर यही देना. ओके. इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्लस इंटरफेस ओनली हैविंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. ठीक है विनय, ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ऐसे. यस सर, ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं. सर क्वेश्चन क्या था सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस? ठीक है. अच्छा यस सर, ये क्वेश्चन आंसर ढूंढना महेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके सर. मुझे भी, मैं बताऊं, मुझे भी आंसर पहले से पता था, लेकिन मुझे फिर भी बहुत कितना टाइम लगाना पड़ा इस चीज को क्लियर करने में. मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, नंबर ऑफ आंसर्स बुक्स, लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको, मुझे जो आंसर चाहिए था वो नहीं मिला था. मुझे कई महीनों लग गए थे, ठीक है? आज के टाइम पता होगा, लेकिन फिर भी स्टिल मैं बोल रहा हूँ, कितना भी आपको आता हो ना, फिर भी आप एक्सप्लेन करने जाओगे ना, तो फिर भी कंफ्यूज कर देता है सामने इंटरव्यूअर. हाँ, देखो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे नहीं, मैं भी इंटरव्यू लेता, ऐसी बात नहीं है. तो 5 इंटरव्यूज मैं भी डेली लेता हूँ, मैं नहीं इतना घुमाता हूँ, ठीक है? अगर आपने मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ क्लियर हो जाता है टॉपिक पे, ठीक है? वो आपसे ज्यादा डेप्थ में जाएगा नहीं. फिर बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, द फर्स्ट द आंसर यू हैव टू गिव, एब्स्ट्रैक्ट क्लास विल हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट. राइट. इन दिस आंसर देन दे विल आस्क यू व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. दिस राइट. यू हैव टू गिव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मींस व्हिच डजंट हैव एनी बॉडी, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स व्हिच हैव बॉडी. विनय क्लियर? Yes, sir. Yes. So now he will come to interface. Interface is having only abstract methods, means which does not have any body. The first answer you have given it. The second answer is, okay, interface. What is interface? Interface is nothing but a contract between two clients, between server and the client. You have to give answer. Interface is a contract, set of rules given by someone, okay, or created by someone that we between server and client. It is a contract which is shareable to client actually. Yes.
For example, if you talk about web services or WCF services. मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है WCF अभी. हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग जो वहां पे आप देख रहे हो ना वो सारी चीजें हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि आपको वहां पे समझने की जरूरत ही नहीं दोबारा पढ़ने का, ठीक है, वो आप कर लोगे. तो इसीलिए हम लोग वैसे ही करते हैं. इंटरफेस होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो एप्लीकेशन के बीच में, एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है. इंटरफेस इज हैविंग सेट ऑफ रूल्स. ओके, सेट ऑफ रूल्स मीन्स क्या? Somebody has created a rule in the interface, and whoever the person is going to inherit this interface, they must have to follow it. They have to follow. Yes, they have to follow the rules. So WCF में या किसी services में क्या होता है? हम लोग एक contract बनाते हैं, जो कि हम देते हैं किसको? Client को, कि भाई ये हमारा contract है, इसको use करो. इसके अलावा कुछ और use नहीं कर सकते तुम लोग. ये contract हम देते हैं. सेम थिंग विनय, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल कि जैसे रोड पे जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट ने तीन एक इंटरफेस बना के रखा है, उस इंटरफेस में तीन लाइट्स बना के रखे, तीन मेथड्स बनाए हैं, तो ये लो. एंड हम लोग कौन से उसके कंज्यूमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो यूज करते हैं. फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होता है, चलान फटेगा ना. करेक्ट. तो वी हैव क्या चीज? मैं दिया हूँ फाइन दो बार. वही तो ना, चलान चलान पड़ता है ना, चलान करता है ना. तो यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइन. ठीक है, जस्ट रिमेम्बर, इंटरफेस इज कॉन्ट्रैक्ट, ओके, विच इज क्रिएटेड बाय द डेवलपर और हुएवर द सर्वर, ओके, एंड दैट मस्ट हैव टू बी फॉलो बाय क्लाइंट्स, दैट वी कॉल इंटरफेस. इंटरफेस विल हैव only abstract methods. Whoever the client means a class, is going to inherit the interface, they must have to be implement the interface in their classes, the first thing. The next interview will ask you in this scenario only. If abstract class, I can create an abstract method in the abstract class. That's true. I can create a method, just consider the concept, don't go for the programming any now. Add employee. Okay. Method called add employee in the abstract class. Okay. Abstract method. This is abstract method. There is no body. Here itself, I can write add employee. Same thing. In the as well in the abstract as well. Abstract class. दोनों का body नहीं है. Okay. In the एक client आया मेरे पास, client. ठीक है. जो कि क्या कर abstract class को inherit कर रहा है. Just remember, abstract class को inherit कर रहा है. तो abstract class को जो भी inherit करेगा, उसके method को क्या करना पड़ेगा? Implement करना पड़ेगा. Abstract class must have implement करना ही पड़ेगा. इधर आपको अगर मैं यहाँ पे interface लिखता हूँ, interface जो भी है आपका, उसको भी implement करना पड़ेगा, क्योंकि both is having abstract methods. तो the client is going to inherit the base class, they must have to be implement the abstract methods. If the client is in the interface, they must have to implement the interface. Fixed. If in the both the cases, implementation is same, so why should I go for the interfaces? Why should I go for the abstract classes? I can use anyone, right? जब दोनों का purpose एक ही है, add employee को इम्प्लीमेंट कर रही है, abstract class इंटरफेस करूंगा तो भी वही काम होगा, तो फिर मैं क्यों, मैं कुछ भी करूं, दो दो क्यों बना, एक ही बनाते ना. Is it correct? Question है ना, genuine. दोनों से मैं काम कर सकता हूं, तो why should I go for the interface? तो दूसरा concept invent ही क्यों हुआ, एक पे हो सकता था. तो बिल्कुल इंटरफेस का जरूरत ही क्या था भाई, जब मैं ये देखो सेम चीज. ओके ओके, देखो यहाँ पे क्लाइंट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है. यहाँ पे भी एड एम्प्लॉय को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, इंटरफेस को इनहेरिट करूंगा तो भी इम्प्लीमेंट करना पड़ा. करेक्ट, दोनों भाई इंटरफेस का, मैं तो एब्स्ट्रैक्ट से ही काम कर लूंगा. मैं इंटरफेस से ही काम कर सकता, क्या जरूरत था बनाने को?
दोनों का कोई यूज नहीं है, एक ही से काम हो सकता है. ओके गिव मी 2 मिनट्स मोर. ओके लेट मी चार्जिंग में लगाता हूं 1 मिनट. नहीं तो कुछ नहीं ना 1 मिनट में. दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है महेंद्र, में से कोई भी. लेकिन आप एक चीज याद रखो, रूल थंब है इसका, और यू हैव टू गिव दैट आंसर. अगर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया ये आंसर जो मैं बताने जा रहा हूँ, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे, ठीक है. आंसर जब दोनों काम मैं कर सकता हूँ, इसके थ्रू भी कर सकता हूँ, इंटरफेस के थ्रू भी एड एम्प्लॉय कर सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू भी एड एम्प्लॉय सकता हूँ, तो क्या सपोज दैट this is the program which we have created. Okay? Now, okay, notepad mein karta hoon pehle yaar. Theek hai? To better rahega. There is a class. Aap dhyan se samjho. Abstract. There is a method. Add employee. Okay. Theek hai? नहीं समझ में आएगा तो बताना जरूरी है, ठीक है. अब उसके बाद सेम यहाँ पे देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्लास इंटरफेस, क्लास यहाँ पे इंटरफेस आई एम्प्लॉय, ठीक है, ये मैंने लिखा. मैं वैसे ही टोटल सेम चीज. ओके दोनों में कोई डिफरेंस नहीं अभी, ठीक है. अभी क्या हुआ, एक क्लास आया यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है, और वी कैन चाइल्ड और एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल, जो कि किसको इनहेरिट कर रहा है बताओ, एब्स्ट्रैक्ट. हाँ अभी एब्स्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे क्या, यहाँ पे आया मैं, इसने इस मेथड को इंप्लीमेंट किया, राइट. राइट सेम वे इधर गया, क्या लिखूंगा मैं, क्लास एडमिन एम्प्लॉय, सेम ही है क्लास. यहाँ पे इसको भी बंद कर दिया, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है, करेक्ट नहीं है. हाँ अब आपको समझना है कॉन्सेप्ट पब्लिक वर्ल्ड में. पहले तो मान लो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है, राइट. क्लास आया नया, क्या बोला यार मुझे ना ये एड एम्प्लॉय का फीचर तो चाहिए ही चाहिए. आप समझो इन सब चीजों को, ये मुझे चाहिए चाहिए, तो फिर ये क्या करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं. हाँ करेगा, करेगा ये करेगा करेगा. नीचे आ गए, इसने बोला मुझे एक और मेथड चाहिए, ठीक है. इसने बोला मुझे एक प्रिंट भी करना है, क्या करेगा ये, इसके अंदर ही बना देगा या नहीं बना, इसके अंदर बना सकता. यहाँ पे भी क्लास आया, सपोज दैट ये जो पूरा कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ इंटरफेस में, प्रिंट चाहिए था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी अंदर ही बनाना पड़ेगा. तो सेम है,
पूरा कोड मैं कॉपी करूं, ठीक है, पेस्ट करता हूं इधर जाके, फिर से पेस्ट किया, कॉपी कर रहा हूं मैं, सब कुछ वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे ये समझ लो आई एब्स्ट्रैक्ट की जगह आई एम्प्लॉय है, बस विनय यहाँ पे किया एड एम्प्लॉय किया, यहाँ पे इसको प्रिंट करना था तो प्रिंट भी किया इसने, अभी इस वाली क्लास को, ये जो क्लास है हमारी इस क्लास एचआर को जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है ये भी अपने यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय करेगा और प्रिंट कर देगा, तो अब बताओ दोनों एचआर क्लासेस को, चाहे वो इंटरफेस हो या एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, दोनों को प्रिंट फंक्शनैलिटी चाहिए, दे विल क्रिएट देयर ओन मेथड्स, राइट? नाउ एक और क्लास आ गई एडमिन, ठीक है, उसको भी ऐड चाहिए था और क्या चाहिए था, प्रिंट वाला भी चाहिए था, तो प्रिंट तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ एडमिन को भी प्रिंट चाहिए तो ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? हाँ, देखो एक क्लास में और बना रहा हूँ विनय, क्लास एडमिन एम्प्लॉय, ठीक है, उसको अब क्या रिक्वायरमेंट था, ऐड एम्प्लॉय तो चाहिए ही चाहिए, तो वो इसको यूज कर सकता है कि नहीं बताओ, जिसके अंदर उसको मिल जाएगा क्या ऐड एम्प्लॉय मिल जाएगा ये वाला, ऐड एम्प्लॉय मिल जाएगा, लेकिन उसको प्रिंट भी चाहिए, तो प्रिंट कहाँ से मिलेगा, प्रिंट तो इसका मेथड है ना ये वाला, ये तो पैरेंट में डिफाइन नहीं था, डिक्लेयर था प्रिंट, इसको क्या करना पड़ेगा, खुद क्रिएट करना पड़ेगा, क्या ये एडमिन एम्प्लॉय हमने ऊपर लिया है क्लास सर, हाँ लिया लिया इंटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, क्या मैं इस प्रिंट मेथड को जाके तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास था यहाँ पे डिफाइन कर दू, तो यहाँ पे कर दिया, तो अब इसको पता है क्या करना पड़ेगा, इसके पास भी प्रिंट आ गया, अपने आप ही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो प्रिंट किया था ये मेथड किस प्रिंट इस क्लास का है, जस्ट रिमेम्बर इट, इसको भी कुछ नहीं करना है, ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है, जस्ट अभी के लिए इतना समझ लो, इसको भी कुछ प्रिंट को इजीली कॉल कर लेगा, क्यों बनाने का जरूरत नहीं है, प्रिंट कहाँ पे है, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है किसमें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इंटरफेस में क्या होता है मैं बताऊं, to go and change the interface will affect the other project, इसको भी problem कर देगा, जो भी classes use कर रहे हैं उनको, जो भी other interface को use कर रहे हैं, if you modify the abstract class it will not affect the other child classes because they need, okay, जरूरत है तो use करो, नहीं जरूरत है तो मत use करो, क्योंकि class में आपने बना दिया, जरूरत लगेगा तो child class use करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा, लेकिन इंटरफेस में इफ यू चेंज द इंटरफेस, इफ यू चेंज द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट विल द अदर प्रोजेक्ट्स विल डू द प्रैक्टिकल, ओके, नो वरी, द थोड़ा ओके, मुझे नहीं, मुझे ये एक कंफ्यूजन ऐसा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है तो वो हम चाइल्ड उसका वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हमने इनहेरिट किया तो उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो हमने इंप्लीमेंट नहीं की तो भी चलता है, राइट? नहीं, abstract, non-abstract. के बारे में बोल रहे हैं हम, okay, sorry. Non-abstract method, अभी मैंने यहाँ पे declaration नहीं दिया है, दोबारा से repeat करूँगा सारी चीजों को, because ये थोड़ा ठीक है और समझने वाला है, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ सकते, okay. एक बार क्लियर हो गया ना तो लाइफ टाइम रहने वाला है ये मेथड कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकर थोड़ा सा बट हो जाएगा, ठीक है, तो अभी एक आप लोग सिर्फ गूगल पे सर्च करो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जितनी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, व्हाट इज द रियल टाइम सिनेरियो वेयर वी कैन गो फॉर इंटरफेस एंड, ओके, वंस यू अंडरस्टूड देन वी कैन गो अहेड विद दैट, ओके, ओके सर, सो कल मिलते हैं फिर, अभी मैं रखता हूं, ठीक है, थैंक यू, ओके, ओके सर, थैंक यू, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मैं देखता हूं स्क्रीन, बाय बाय सर, ओके, बाय बाय, बाय बाय.